तो हाय गाइज, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो पूर्व एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान के अंदर। तो आप जानते हो जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन यहीं से आते हैं बार बार, संधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्व एग्ज़ाम में आए हैं उसको अपन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे, चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरी देखें दोस्तों। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, संधि का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो चलते हैं, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? तो स्वागत, मात्रांश और यद्यपि। तो इसके अंदर महर्षि में यण संधि नहीं है दोस्तों, स्वागत में, मात्रांश में और यद्यपि में यहाँ पर यण संधि है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए। ये तो आया था पटवार 2011 में, क्योंकि अपन पूरे एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। संधि के नियम याद होना चाहिए, यण संधि आ रहा है इसमें, मात्रांश, यद्यपि। किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि है? तो ध्यान होना चाहिए, मधुचार्य गलत है, मधुचार्य गलत है, माधवाचार्य गलत है, मधुवाचार्य राइट है दोस्तों। पटवार 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन है, उसे देखने होना चाहिए, तभी जाके अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन राइट होता है और अपन को पता लगता है किस तरह के क्वेश्चन संधि के आते हैं। तो पूरी वीडियो को देखें दोस्तों अच्छे से। किस क्रमांक में संधि विच्छेद हुआ है? प्रतिधन हुआ, प्रतिधन हुआ, इसमें संधि विच्छेद हुआ है। अनुवति में नहीं हुआ है, पवित्र में नहीं हुआ, अनुदित में नहीं हुआ दोस्तों, पटवार 2011। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो युधिष्ठिर नहीं है, निष्ठुर नहीं है, भयंकर नहीं है, तो मनोयोग है ना, इसका अंदर विसर्ग संधि का उदाहरण है। दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद है, तो दीक्षा धन अंत, ध्यान होना चाहिए, दीक्षा धन अंत। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है परमाणु, ध्यान होना चाहिए, जगदीश में नहीं है, जगत धनेश, वैज्ञानिक में नहीं है, हरिश्चंद्र में नहीं है, तो ध्यान होना चाहिए परमाणु के अंदर स्वर संधि का उदाहरण है। BSTC 2011 में चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है, चित्तधनमय, देखो RPSC सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, चिन्मय गलत है, चित्रमय गलत है, चिन्मय गलत है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो उद्दत, क्या है? उद्दत, ध्यान होना चाहिए। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, गुण संधि का उदाहरण क्या है? महर्षि पावक नहीं है, अभ्युदय नहीं है, मतैक्य नहीं है, PSI में क्वेश्चन आया था दोस्तों। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग का हरिश्चंद्र, ध्यान होना चाहिए, विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है और दिनेश चंद्र नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, दीक्षांत शब्द का संधि विच्छेद, दीक्षा धन अंत, स्वर संधि ये देख लिया, चिन्ह में देख लिया, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो उद्दत, हरिश्चंद्र देख, सच्चिदानंद का विच्छेद है दोस्तों, PSI 2011 में, सत धन चित्त धन आनंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत धन चित्त धन आनंद, इसका संधि विच्छेद है। सचित धन आनंद गलत है, सत चित्त धन आनंद गलत है और सचित आनंद गलत है, तो सत धन चित आनंद राइट है दोस्त। टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो टीखा धन एत, टीखा धन एत, मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों, और आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन अवश्य देखना चाहिए। सेकंड ग्रेड 2010 में आया था, टीखा धन एत, ध्यान होना चाहिए। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? समधन कल्प, ध्यान होना चाहिए, समधन कल्प का संधि विच्छेद है, संकल्प का सेकंड ग्रेड में आया था। प्रत्यर्पण शब्द बना है, प्रतिधन अर्पण, देखो दोस्तों पूरी वीडियो देखें, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण का शब्द है प्रतिधन अर्पण, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला आपका, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको सभी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, तो आप पूरी देखें वीडियो। प्रेक्षण शब्द का बना हुआ है प्रधन इक्षण, ध्यान होना चाहिए, प्रधन इक्षण है, प्रधन इक्षण गलत है, एक्षण गलत है, एक्षण गलत है, BSTC 2010 में आया था। गुण संधि से बना है, गुण संधि से कौन सा शब्द बना है? सहित त्योन्नति, विद्युत जन गलत है, नृपाल गलत है, विद्यानुरागी गलत है। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? भारतेंदु, देखो एक ही मात्रा आ रही है ना, भारतेंदु। प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में व्यंजन संधि है दोस्तों, प्रमाण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ध्यान होना चाहिए। प्रेक्षण शब्द से बना है प्रधन इक्षण, ध्यान होना चाहिए, प्रधन इक्षण, ये तो पढ़ी लिया था अभी अपन ने। गुण संधि का उदाहरण भारत है, तो नेति शब्द का संधि विच्छेद होगा, न धन इति, न धन इति है, तो नेति शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों।
महेंद्र में कौन सी संधि होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुण संधि। वृद्धि नहीं होगी महेंद्र में, दीर्घ नहीं होगी, यण नहीं होगी। RRB 2006 और BSTC 2009 के अंदर पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्वागत का सही संधि विच्छेद है सूदन आगत, ध्यान होना चाहिए दोस्तों, सूदन आगत ही स्वागत का सही संधि विच्छेद है। किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यद्यपि में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ब्रह्मार्षि में हुआ है, यद्यपि में हुआ है, कदापि में हुआ है दोस्तों। अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनाता है, तो अनधिकार, ध्यान होना चाहिए अनधिकार ही शब्द बनता है। पराधीन का कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है, परधन अधीन, परधन अधीन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम और न्यासी की संधि से कौन सा शब्द बनता है, तो सन्यासी, ध्यान होना चाहिए सन्यासी से, समधन न्यासी से शब्द बनता है सन्यासी। किस क्रमांक में सही संधि नहीं है, तो किस क्रमांक में नहीं है, क्रधन तव्य, इसमें नहीं है, कर्तव्य नहीं बनता दोस्तों। पूर्व धन अहन है, पूर्वाह हो जाएगा। मेरा धन ऐन है, मीरायन हो जाएगा। मनस धन ईशा है, मनीषा हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है, तो संधि युक्त है मनोज भी है ना, नरेश भी है और देवर्षि भी है, यह है सभी संधि युक्त शब्द है दोस्तों। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं होगा, तो प्रतीप में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है दोस्तों। तदेव में हुआ है, नीरव में हुआ है और संजीव में हुआ है दोस्तों। ग्राम सेवक परीक्षा में, ग्राम सेवक परीक्षा में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को पूरी देखें दोस्तों। संधि का सही प्रयोग किस में हुआ है, निरोग। किस शब्द में संधि नहीं है, काजल में। अतः हेव, सज्जन में, जलोक में, इनमें संधि है और काजल में संधि नहीं है दोस्तों। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, तो मन है, धन, प्रसाद, गलत। इसका सही संधि विच्छेद है मृद, धनमय, प्रह, ऊढ़, धन, प्रह, धन, ऊढ़, प्रौढ़, अपधन, जात, अबजात, ध्यान होना चाहिए। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि का नियम अपवाद है, तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी अपवाद है, निरोग और प्रबोधिनी अपराहन, ये अपवाद नहीं है। पटवार 2008 में क्वेश्चन आया था। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, तो शिशु धन एक के, शिशु एक के हैं दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, शिशु एक के कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है, तो कपाट, ललाट, दीपक, संधि रहित है यानी कि संधि नहीं है इनमें। पुरुषार्थ में संधि है, चरितार्थ में संधि है, निरर्थक में संधि है। सांब, रेखांकित, प्राणांत, चंद्रमा, नरांतक, सत्यार्थ, इनमें सभी में संधि है। किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है, अनविक्षा, अनुधन, विक्षा, अनुधन, इच्छा है दोस्तों। किस शब्द रचना में संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है, तो मनोकामना में पालन नहीं है, तेजोमयता में, तेजोमयता, मन है, प्रसाद और निरोग, इसमें संधि का पालन हुआ है और मनोकामना में संधि का पालन नहीं हुआ। निर्विकार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि, क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि, ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं, रेखांश के संधि का नाम का चयन कीजिए, रेखांश। अब रेखांश की जो संधि का नाम है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, क्या है, दीर्घ स्वर संधि। राजर्षि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, राजा, धन, ऋषि, ध्यान होना चाहिए। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है, तो पुस्तक, धन, आलय। उद्ध धन ज्वल का संधि रूप क्या आएगा, उज्ज्वल, ध्यान होना चाहिए। जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि दोस्तों, जगदम्बा में व्यंजन संधि, ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, उद धन ज्वल का संधि रूप होगा, तो उज्ज्वल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में उज्ज्वल का क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, वेरी वेरी। जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो घोड़ा, धन, दौड़, घुड़ दौड़। सदा एव का संधि विच्छेद होगा, सदैव। तन धनमय का संधि होगा, तन्मय, तन्मय। निम्नांक में कौन सा शब्द स्वर संधि का है, तो मनवंतर, ध्यान होना चाहिए, स्वर संधि का है मनवंतर। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो परोपकार में गुण संधि है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए। इनमें से कौन सी संधि गलत है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, न धन या नयन गलत है, प्रति धन उपकार राइट है, अदा धन पतन राइट है, सदा धन एवं राइट है, इत्यादि संधि का विच्छेद होगा, इति धन आदि, क्या है दोस्तों, इति धन आदि। तो RS LDC वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, नौकरी लगते हैं अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इसी तरीके मैं वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आऊँगा अभी तो संडे के, और उसकी ट्रिक भी लेके आऊँगा, है ना। तो आप वीडियो को पूरी वॉच करें, और एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख ले वीडियो। और मिलता हूँ यहाँ से, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य फंसेगा, क्योंकि पूर्व एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाता है बार बार, आप जानते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।